ये तब की बात है जब मैं 10 या 11 साल का था। मैं हमेशा से स्विमिंग सीखना चाहता था। इसके लिए मैं पास के ही बने YMCA पूल में जाता हूँ। यहाँ पर यकीमा रिवर भी है, पर मैं YMCA पूल को ही चुनता हूँ क्योंकि वह यकीमा रिवर से ज़्यादा सेफ है। YMCA पूल एक तरफ सिर्फ 3 फीट गहरा है और ग्रेजुअली दूसरी तरफ 9 फीट। शुरू से ही मुझे पानी से बहुत डर लगता है और ये सब तब शुरू हुआ जब मैं सिर्फ 4 साल का था। डैड मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे और हम लोग वहाँ पर लहरों में खेल रहे थे। तभी एक बड़ी सी लहर मेरे ऊपर से निकल जाती है। मुझे लग रहा था कि मेरी सांसें ही रुकने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, पर डैड मुझ पर हंस रहे थे। लेकिन उसी दिन से मेरे अंदर पानी का डर बैठ गया। जब भी मैं YMCA पुल पर जाता हूँ, मुझे वही इंसिडेंट फिर से याद आ जाता है, पर मैं स्विमिंग सीखना नहीं छोड़ता। एक दिन मैं पूल के किनारे बैठकर अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था। तभी एक लड़का जिसकी उम्र 18 साल होगी, मुझे उठाकर पानी के डीप साइड वाले हिस्से में फेंक देता है। मैं सिटिंग पोजीशन में ही पानी में डूबने लगता हूँ। नीचे डूबते वक्त मैंने एक प्लान बनाया। जब मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे, तब मैं एक ज़ोरदार जंप मारूँगा और पूल के एज तक पहुँच जाऊँगा। और जैसे ही मेरे पैर बॉटम को टच हुए, मैंने वैसा ही किया जैसा मैंने प्लान किया था। मैंने अपने पूरे स्ट्रेंथ से बॉटम को एक ज़ोरदार किक किया। मुझे लगा था कि मैं एक कॉर्क की तरह निकलूँगा, पर मैं बहुत स्लोली सरफेस तक पहुँचा। आँखें खोलने पर मुझे चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखा, जिसका कलर डर्टी येलो था। मैंने किसी रस्सी को पकड़ने की कोशिश की, पर मेरे हाथों में सिर्फ पानी ही आया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर कोई आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि मेरी आंखें और नाक तो पानी के ऊपर थे, पर मेरा मुंह नहीं। मैंने अपने हाथों को पानी के सतह पर ज़ोर से पटका, पर कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से पानी के अंदर जाने लगा था। जैसे ही मैं बॉटम तक पहुंचा, मैंने फिर से एक ज़ोरदार जंप किया, पर इस बार मैं और भी ज़्यादा स्लोली ऊपर आया। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं पुल के किनारे तक पहुँच जाऊँ, बट इट डिडेंट हैपन। अब मेरे हाथ और पाँव भी पैरालाइज्ड होने लगे थे। मैं फिर से नीचे जाने लगा। मैंने तीसरी बार जंप लगाने की कोशिश की, पर इस बार मैं बहुत ही कम ऊपर आया। अब मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया था। मुझे लग रहा था कि अब मैं मरने वाला। मैं सब एफर्ट्स छोड़कर रिलैक्स हो गया। अब मुझे अच्छा लग रहा था। मेरे दिल से डर निकल गया था और मैं धीरे धीरे बॉटम पर लेट गया। जब मुझे होश आया, तब मैंने अपने आप को पूल के किनारे पाया और वो लड़का जिसने मुझे पानी में फेंका था, वो भी वहीं पर था। और उसने मुझसे कहा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम तो सच में ही डूबने लगे। उस इंसिडेंट के बाद मैं इतना डर गया था कि मैंने उस रात कुछ नहीं खाया और न ही उस पूल के पास वापस कभी गया। पानी के बारे में सोचते ही मेरा वो खौफ वापस आ जाता था। मैंने सोच लिया था कि जिंदगी में कुछ भी करूँगा, पर पानी के पास नहीं जाऊँगा। इसी डर के साथ मैं जीने लगा था। अब मैं 22 साल का हो गया हूँ। मेरे फैमिलीज, फ्रेंड्स सभी स्विमिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं और बोटिंग भी करते हैं, पर मैं नहीं करता उसी डर के कारण। मैंने बहुत कोशिश की उस डर को ख़त्म करने की, पर मैं नाकामयाब रहा। और फाइनली मैं डिसाइड करता हूँ और एक इंस्ट्रक्टर हायर करता हूँ स्विमिंग सीखने के लिए। और मैं वीक में 5 दिन 1-1 घंटे स्विमिंग सीखना शुरू कर देता हूँ। कोच मुझे शुरू में एक बेल्ट से बांध देते हैं। बेल्ट से एक रस्सी अटैच होती है और उस रस्सी से एक केबल, और उस केबल का कंट्रोल कोच के पास होता है। मतलब मैं चाहूँ तो भी पानी के अंदर नहीं जा सकता जब तक कि मेरा कोच नहीं चाहता। पर इन सब के बाद भी जब मैं पानी में उतरता था, तब मेरा वह फियर वापस आ जाता था। मेरे कोच ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया।
कोच ने कहा, पहले पानी में पैर हिलाना सीखो। कुछ दिनों तक यही चला। फिर उन्होंने कहा, अब पानी के अंदर हाथों को हिलाओ। फिर कुछ दिनों तक यही चला। फिर उन्होंने कहा, अब पानी के अंदर सांस रोको। यही प्रोसेस डे बाय डे, वीक बाय वीक चलता रहा। कोच ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। ये सब लगभग एक साल तक चला। एक दिन कोच ने कहा, विलियम डगलस, अब तुम एक परफेक्ट स्विमर बन चुके हो, अब मेरा काम ख़त्म हुआ। मुझे यह तो मालूम हो गया था कि अब मैंने स्विमिंग सीख लिया है, पर मुझे यह डर था कि जब भी मैं पानी में अकेला रहूँगा तब कहीं मेरा वही फियर वापस ना आ जाए। इस बात को पक्का करने के लिए कि मेरा वह फियर हमेशा के लिए जा चुका है, मैं एक लेक में जाता हूँ और उसमें जंप मार देता हूँ। मैं उस लेक को 2 मील तक क्रॉस कर लेता हूँ। जब मैं लेक के बीचों बीच तक पहुँचता हूँ तो कुछ समय के लिए चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी को देखकर मुझे मेरा पुराना फियर याद आ जाता है। मैं फियर से कहता हूँ, ओ फियर, अब मैं तेरे से जीत चुका हूँ रे, और मैं फिर से तैरने लगता हूँ। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।